हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 8 में। भारत के अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 8, जो डिस्कशन हमारा शुरू हुआ लेक्चर नंबर 4 में, जहां से शुरुआत की हमने इंडियन इकोनॉमी के एक मेजर चंक की कि जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस रही इंडिया में, वो किन किन बेसिकली फेजेस के थ्रू डेवलप होती हुई चली आई, क्या बेसिकली थीम रही, थॉट रही इंडिपेंडेंस से पहले बेसिकली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज रही, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रही, कौन कौन से डिफरेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज रहे। उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद क्या बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रही, कौन सा वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम प्लानिंग कमीशन रखा गया, क्यों रखा गया, क्या उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उसका बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, क्या वो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स रहे। एक एक करके हमने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स को जब हमने आपके साथ डिस्कस किया तो ये भी कोशिश की कि उनके क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या डाउनसाइड्स रहे, किस तरीके से 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पूरी प्रोसेस ने किक इन किया जुलाई 1991 में, उसके बाद थॉट प्रोसेस इंडियन इकोनॉमिस्ट की, इंडियन लीडरशिप की, इंडियन प्लानर्स की चेंज होती चली गई। उसके बाद कैसे हमारे 10th 11th 12th बेसिकली प्लान्स का एवोल्यूशन हुआ, और फाइनली आज का जो ये बेसिकली लेक्चर है, ये इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया को रैप अप करेगा, कंक्लूड करेगा हमारे लास्ट डिस्कशन के थ्रू। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, ये हमारा डेडिकेटेड होगा कि जो प्लानिंग प्रोसेस का थॉट प्रोसेस 1930 से स्टार्ट हुआ। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 1938। इसकी रिपोर्ट कब बेसिकली पब्लिश हुई? 1949। बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े-बड़े लीडर्स, बड़े-बड़े फ्रीडम फाइटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सभी कमिटीज के पार्ट रहे। और आज की डेट में जो ये बेसिकली शुरुआत 1938 में हुई, ये 2021 में किस फॉर्म में, शेप में, रूप में बेसिकली प्रेजेंट है, इसके बारे में आपके साथ एक थॉरो डिस्कशन हो जाए। ये डिस्कशन हमारा होगा आज का कंक्लूडिंग डिस्कशन, कंक्लूडिंग लेक्चर ऑन प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। और जब तक हम अभी जो लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसको इन प्लेस लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, कि किस तरीके से जो प्लानिंग कमीशन इतने सालों तक डिलीवर करती आई, जिसमें बहुत सारे अपसाइड्स रहे, कुछ उसमें गैप्स रहे, धीरे धीरे एक कंबरसम ऑर्गेनाइजेशन बनती चली गई, एक बड़ा बाबूडम जिसे बोलते हैं योजना भवन बनता चला गया। और गवर्नमेंट को भी, और इनफैक्ट खुद प्लानिंग कमीशन को, इसकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि एक्चुअली जो प्लानिंग कमीशन 1950s, 1960s के सेटअप के लिए गवर्न की गई थी, वो हो सकता है 21st सेंचुरी के लिए उतनी सूटेबल ना हो। इन सभी कॉन्वर्सेशन से, इन सभी डिस्कशन से, इन सभी फीडबैक के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया इन 2015। और ये मेजर स्टेप रहा कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके क्या स्टैब्लिश किया जाए? नीति आयोग। तो आज के लेक्चर की जो सेंट्रल थीम है वो नीति आयोग ही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग को बहुत डिटेल में। नीति आयोग से पहले दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे जिनका पर्पस था कि जितने भी प्लान्स प्लानिंग कमीशन बनाए, इंप्लीमेंट करे, उनको मॉनिटर करे, इवैल्यूएट करे, कितने इफेक्टिव रहे, नहीं रहे, कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां पे अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद जब नीति आयोग बना तो क्या थॉट रही, क्या वो चेंजेस रहे जिन चेंजेस की वजह से इंडियन लीडरशिप को लगने लगा कि प्लानिंग कमीशन का स्ट्रक्चर, प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट, जो रफली 60 साल पहले 6 डिकेड्स ओल्ड हो चुका है, अब 21st सेंचुरी में इंडिया जैसी मेजर इकोनॉमी को सर्व करने के लिए शायद उतना गियर्ड अप नहीं है, शायद उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है, शायद उतना केपेबल नहीं है। और इस वजह से गवर्नमेंट ने इतने पुराने ओल्ड इंस्टीट्यूशन को अबॉलिश करते हुए स्टैब्लिश किया नीति आयोग। क्या नीति आयोग है, क्या इसके फंक्शंस हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चरली ये गवर्न होता है या बेसिकली सेटअप है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है एंड कौन से वो एरियाज हैं जिसमें नीति आयोग ऑलरेडी ऐसा लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो प्राइमरी रेफरेंस हमारा होगा इस लेक्चर का, पुराने लेक्चर्स की तरह, वो होगा इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह 13th एडिशन 2021-22। इसके अलावा कुछ और भी रेफरेंस सोर्सेज हमने यूज करने की कोशिश की है, लेकिन प्राइमरीली हमारा ये लेक्चर नंबर 8 इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पर ही बेस्ड होगा। दोस्तों, इससे पहले हम नीति आयोग तक पहुंचे, दो इंपॉर्टेंट ऑफिस, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑफिस इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, जिसको आईईओ भी बेसिकली कहा जाता है, इसके बारे में एक समरी डिस्कशन हो जाए। ये आईईओ जिसको किसने क्रिएट किया होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2014 में। और गवर्नमेंट की इंटेंशन थी, मंशा थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हम बेसिकली क्रिएट करें जो प्लानिंग कमीशन से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, जो इनफैक्ट गवर्नमेंट से भी थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। और इसका पर्पस होगा कि किस तरीके से ये एक ऑब्जेक्टिव तरीके से जो पूरी प्लानिंग प्रोसेस है, उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करे, उसको किस तरीके से हम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एनहेंस कर सकते हैं हमारी प्लानिंग प्रोसेस में, इंप्लीमेंटेशन में, उसके बारे में ये हमको रियल बेसिकली फीडबैक दे इस क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बाद। और इसको कंसीव किस की लाइंस पर किया गया, इसको कंसीव किया गया जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस रहा, उसकी तर्ज पर। और इसको कोशिश की गई कि जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो वर्ल्ड बैंक का या ब्रिटिश डीएफआईडी मतलब डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, या फिर मैक्सिको का नेशनल काउंसिल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी, मतलब इन सारे ऑफिस का पर्पस यही रहा कि गवर्नमेंट से थोड़ी दूरी बनाकर, कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट बन जाए, वरना जो गवर्नमेंट बोलेगी उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट या उसको ऑनेस्टली इवैल्यूएट करके प्रॉपर फीडबैक दे ही नहीं पाएगा कोई ऑफिस। इसको थोड़ा दूरी पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो एज एन आउटसाइडर, एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सारी प्लानिंग प्रोसेस को, क्या उसका प्लानिंग प्रोसेस है, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन है, क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, क्या गैप्स हैं, कैसे हम चीजों को बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट को फीडबैक दे। साथ ही साथ जो हमारी मेन प्लानिंग बॉडी है, प्लानिंग कमीशन, उनको भी इन फाइंडिंग से, इस फीडबैक से अप्रेज करते रहे। और गवर्नमेंट ने फाइनली फरवरी 2014 में इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस को क्रिएट किया। इसको हालांकि अटैच किया प्लानिंग कमीशन के साथ, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस जिसके ऊपर ट्रूली प्लानिंग कमीशन का बहुत ज्यादा सुपरविजन या कंट्रोल नहीं कहा जा सकता। ये जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है, इसको एक इंडिपेंडेंट ऑफिस टू द प्लानिंग कमीशन की तरह अटैच किया गया, जिसकी एक गवर्निंग बॉडी रही और उसको चेयर किया जाता रहा जो प्लानिंग कमीशन के बेसिकली चेयरमैन है। इसको फंड कौन करेगा, इसको फंड भी प्लानिंग कमीशन ने ही किया, लेकिन इनका खुद का आईईओ ऑफिस का, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस का खुद का एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल, उनको भी इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया गया। ये जो डायरेक्टर जनरल होंगे या डीजी होंगे आईईओ ऑफिस के, ये जो प्लानिंग कमीशन है या तो उसके मेंबर हो सकते हैं या जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनमें से किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। डीजी का टेन्योर बेसिकली 3 इयर्स के लिए इनिशियली फिक्स किया गया, जिसको 5 इयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो स्टाफ होगा आईओ का, उसको डीजी खुद बेसिकली सेलेक्ट करेंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के गवर्नमेंट के या प्लानिंग कमीशन के। और इस आईओ ऑफिस का अपना खुद का इंडिपेंडेंट बजट भी होगा। यह जरूरत महसूस हुई कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट खुद तो इवैल्यूएट करे ही करे कि क्या परफॉर्मेंस हमारी रही है, लेकिन इसके साथ अगर एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म भी हम इंडिया में डेवलप कर सके, कॉन्स्टिट्यूट कर सके। अगर आज की तारीख में हम देखें तो जनरली होता क्या है, मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री किसी भी पॉलिसी को प्लान कर रही है और एग्जीक्यूट कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, वो मिनिस्ट्री ही जनरली कितना इफेक्टिव रहा वो प्लान या वो बेसिकली स्कीम, इसको इवैल्यूएट करती है। थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन जनरली नहीं होता। तो बड़ी अच्छी मंशा के साथ गवर्नमेंट ने 2014 में आईईओ के ऑफिस को एग्जीक्यूट किया। जो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन होगा किसी भी प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन, ये पहले करती आ रही थी। ये जो पीईओ है ये भी प्लानिंग कमीशन का ही पार्ट हुआ करती थी, लेकिन ऐसा इकोनॉमिस्ट को, प्लानिंग कमीशन को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लगा कि ये जो पीईओ का ऑफिस है या प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन का, ये शायद इंडिपेंडेंट या क्रिटिकल या रोबस्ट फीडबैक नहीं दे पा रही है। आईईओ के कुछ इंपॉर्टेंट एम्स बेसिकली रखे गए। सबसे पहला एम रखा गया इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस का कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनकी इफेक्टिवनेस को हम इंप्रूव कर सकें, उनके प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकें, उनका जो इंपैक्ट है, क्या आउटकम है हमारी पॉलिसीज का, पूरी प्लानिंग प्रोसेस का, इंप्लीमेंटेशन का, उसको आप असेस करेंगे, उसके इंपैक्ट को आप असेस करेंगे, उसके आउटकम्स को आप असेस करेंगे और वो सही फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक आप प्रोवाइड करेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे प्लानर्स को, हमारी सेंट्रल लीडरशिप को। पहला एम। दूसरा एम आईईओ का रहा कि किस तरीके से गाइडलाइंस हो या मेथोडोलॉजी हो कि किस तरीके से इवैल्यूएशन किए जाएं उन पॉलिसीज के, उन प्रोग्राम्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, और एक कल्चर को प्रमोट हम करें कि किस तरीके से ओपननेस हो और गवर्नमेंट सिस्टम्स भी ऐसा ना हो सिर्फ क्लोज्ड रहें, एक ओपननेस के साथ गवर्नमेंट सिस्टम्स में लर्निंग को कैसे इन्फ्यूज किया जाए। कि मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, उसको आपने इंप्लीमेंट किया, उसको आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट किया। इनफैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट सेक्टर में, कोई भी प्लान के बाद, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कॉर्पोरेट हाउसेस जनरली करते हैं जिसको कहा जाता है आफ्टर एक्शन रिव्यू। के मतलब उसको प्लान करने के बाद, रियल एग्जीक्यूशन के बाद उसको आप रिव्यू करेंगे कि कौन सी चीजों ने अच्छा परफॉर्म किया, किन चीजों ने शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा। अगली बार अगर आप सेम चीज करें या सिमिलर लाइंस पे आप चीजों को करने की कोशिश करें तो आप एक्स्ट्रा चीजें क्या करेंगे या किस डिफरेंट तरीके से पूरी चीज को प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक आप अप्रोच करेंगे। यही पर्पज रहा इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस के क्रिटिकल फीडबैक का भी। थर्ड इंपॉर्टेंट एम कि इंडिया को जो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल इवैल्यूएटेड एविडेंस हैं उनके साथ कैसे इंडिया को कनेक्ट किया जाए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या ग्लोबल नॉलेज है उसके साथ भी इंडिया को कैसे कनेक्ट किया जाए। और इन सब को अचीव करने के लिए जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है, इसको एम दिया गया, मैंडेट दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन उन सभी प्रोग्राम्स का, उन सभी पॉलिसीज, खासतौर से जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनकी इफेक्टिवनेस के लिए, उनके रेलिवेंस के लिए, उनके इंपैक्ट के लिए आप करेंगे। इसके अलावा इनको यह फ्रीडम भी दी गई कि जब आप इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करेंगे किसी भी प्रोग्राम का जिसमें पब्लिक फंड्स यूटिलाइज किए गए हैं या गवर्नमेंट ने किसी तरह की गारंटी बेसिकली उसमें दी हुई है, आप चाहें तो उसका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्क प्रोग्राम होगा आईईओ का, यह भी एक ओपन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, एनजीओ के साथ, पब्लिक के साथ, सोशल ऑडिट के साथ कंसल्ट किया जाएगा, सिविल सोसाइटी से भी फीडबैक लिया जाएगा और जो रिजल्ट होगा उसको भी पब्लिक किया जाएगा ताकि सभी लोग जान सकें, समझ सकें कि जो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हुआ है उसके आउटकम या उसके फैक्ट फाइंडिंग में क्या निकल कर आया है। इसके अलावा आईईओ टर्म्स ऑफ रेफरेंस बेसिकली प्रिपेयर करेगा। जितने भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं कि बेसिकली आप करेंगे क्या, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कि ये 10 चीजें हम देखेंगे इस इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन में। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट करेंगे अपने इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशंस के साथ ही साथ अगर कोई इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन किसी इंस्टीट्यूट के साथ, रिसर्चर्स के साथ कंपेटेटिव बेसिस पे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस या आईईओ। इसके अलावा आईईओ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा किसी भी एजेंसी को, डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को कि किस तरीके से जो सेल्फ इवेल्युएशन है या खुद का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उनका, उसको और बेटर कैसे बनाएं। जो ओवरऑल पर्पस था, इंटेंशन थी, मंशा थी आईओ ऑफिस क्रिएट करने की कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स हो सकता है अपना अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकता है अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हों, अलग अलग एरियाज हो सकता है अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हों। किस तरीके से जो पूरी मॉनिटरिंग प्रोसेस है, पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस है, उसमें यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता लाई जा सके, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जा सके मॉनिटरिंग का एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन का थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आईईओ। इसके अलावा अपनी वेबसाइट पे पब्लिक फीडबैक, डिफरेंट रिपोर्ट्स या पार्लियामेंट और जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं उनको भी इस पे डिस्प्ले किया जाए ताकि आम पब्लिक उन सभी के बारे में नॉलेज गेन कर सके। इसके अलावा जो इंटरनेशनली अवेलेबल फाइंडिंग्स हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन का फीडबैक जो इन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स का होता है, साउथ लर्निंग है, कॉपरेशन है, इसमें भी आईईओ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आईईओ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कि इंटरनेशनल फोरम्स पे जहां भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन अथॉरिटी की बात होगी तो आईईओ इंडिया की नोडल इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन अथॉरिटी के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, आईईओ ने अपनी पहली रिपोर्ट गवर्नमेंट को कब सबमिट की होगी? सितंबर 2014। और अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ वीक बाद शायद जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं आईईओ, उनको अपनी सर्विसेज से रिलीव कर दिया गया। उसके बाद सितंबर 2015 में ही आईईओ को मर्ज कर दिया गया एक नई बॉडी के साथ और उसका भी पर्पस इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ही था और इस नई बॉडी का नाम रखा गया डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। मतलब आईईओ जो फरवरी 2014 में कॉन्स्टिट्यूट की गई, सितंबर 2014 में अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की, उसको सितंबर 2015 में जो नई मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बॉडी है जिसका नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस डीएमईओ, उसके साथ मर्ज कर दिया गया। जो ये नई बॉडी आई आईईओ से इवॉल्व होकर या उसके मर्ज होने के बाद इसके फंक्शंस हों या स्पेशल फीचर्स हों, ये मोर और लेस आईईओ का जो मैंडेट था कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे आप इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग स्टेट्स मिनिस्ट्रीज का जो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है उसको आप कैसे रोबस्ट बनाएंगे, कैसे आप ट्रेन करेंगे, कैसे आप स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे, कैसे आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ आप प्लानिंग कमीशन या गवर्नमेंट से दूरी बनाए रखते हुए एक इंडिपेंडेंट फीडबैक कैसे देंगे डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर या डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर। ऐसा कोई भी प्रोग्राम, पॉलिसी जो गवर्नमेंट फंडेड है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने एज ए गारंटर उस प्रोग्राम या बेसिकली पॉलिसी में एक्ट कर रहे हो। इसके बाद जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस है इसका एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। ये जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस है ये बहुत शुरुआत से ही प्लानिंग कमीशन के साथ अक्टूबर 1952 से ही एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका पर्पस यही था कि जब प्लानिंग कमीशन प्लान्स बनाएगी तो कोई ना कोई तो उनको मॉनिटर करेगा और कोई ना कोई कितने इफेक्टिव ये प्लान्स रहे, क्या आउटकम्स रहे, क्या इनके रिजल्ट्स निकल के आए, क्या गैप्स रहे, इसके बारे में कौन इवैल्यूएशन करेगा। स्टार्टिंग में ये जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस रहा जिसको 1952 में बनाया गया एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पर्पस था कि जो आईएडीएस स्कीम्स हैं, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, उनको बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे ये। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको जब हमारा फर्स्ट प्लान रोल आउट हुआ 1951-56 के पीरियड में, उसको इवैल्यूएशन का मैंडेट भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन या पीईओ ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लानिंग कमीशन का एक पार्ट था उनको दे दिया गया। इसके बाद हमारा जो थर्ड प्लान हुआ 61-66, फोर्थ प्लान हुआ 69-74, इन सभी प्लान्स को भी इवैल्यूएट करने का काम धीरे धीरे पीईओ या प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास आता ही चला गया। मतलब शुरुआत हुई 52 में एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने के लिए, IADS स्कीम्स, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम। लेकिन जैसे जैसे 5 ईयर प्लान रोल आउट होते गए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन जो रही प्लानिंग कमीशन की, उसको 5 ईयर्स की क्या हमारी परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से हमने प्लान्स बनाए, कैसा उनका इंप्लीमेंटेशन रहा, क्या पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, क्या रिजल्ट्स रहे, क्या आउटकम्स रहे, क्या इफेक्टिवनेस रही, इन सेक्टर्स में भी, इन एरियाज को भी पीईओ को दिया जाने लगा। इसके अलावा शुरुआत में सिर्फ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं और इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, इनका ही इवैल्यूएशन दिया गया। लेकिन धीरे धीरे चाहे एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन हो, रूरल इंडस्ट्रीज हो, फिशरीज हो, हेल्थ हो, फैमिली वेलफेयर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्राइबल डेवलपमेंट हो, सोशल फॉरेस्ट्री हो, इन सभी का इवैल्यूएशन वर्क को भी पीईओ को दिया जाने लगा। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है, इनका इवैल्यूएशन भी पीईओ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाने लगा। जो ब्रॉड फंक्शंस हैं पीईओ के, उनका पर्पस यही है कि जो सिलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, जिनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उनको सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इन सबको आप इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करें। जितने भी इवैल्यूएशन आप करेंगे उसके कुछ बेसिक कॉर्नरस्टोन्स हैं, कुछ बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक स्टडीज हैं। पहली स्टडी होगी कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, उस पर्टिकुलर पॉलिसी की, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन होगा प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कि आपने जिस तरीके से उस प्रोग्राम को या उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, उस पे आपका क्या फीडबैक है, क्या उसका इवैल्यूएशन है। थर्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिलीवरी सिस्टम्स, कि आपने चीजों को जैसे डिलीवरी किया अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, क्या वो इफेक्टिव हुआ। मान लीजिए आपने PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या राशन या फेयर प्राइस शॉप की आपने स्कीम तो बना दी, लेकिन एक्चुअली क्या वो इफेक्टिव है, जो एंड यूजर है या जो बेसिकली बेनिफिशियरी है या जो पात्र व्यक्ति है, उस तक उसका सही फायदा वास्तव में रियल में पहुंच पा रहा है या नहीं। और जो चौथी स्टडी होगी किसी भी इवैल्यूएशन में, वो होगी इंपैक्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि उसका क्या इंपैक्ट रहा। अगर आपने PDS स्कीम की या ट्राइबल वेलफेयर के लिए की, या किसी हेल्थ सेक्टर में आपने स्कीम की, या आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में की, इरिगेशन में की, इंफ्रास्ट्रक्चर में की, इलेक्ट्रिफिकेशन में की, रूरल डेवलपमेंट में की, कोई भी स्कीम, कोई भी मिनिस्ट्री हो, प्लानिंग कमीशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स हो, धीरे धीरे जब स्टेट गवर्नमेंट्स के मॉनिटरिंग भी प्लानिंग कमीशन करने लगा, तो पीईओ स्टेट गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करने लगा। शुरुआत में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल प्लान्स, एंड धीरे धीरे रफली 2000 के आसपास इसको स्टेट गवर्नमेंट्स का इवैल्यूएशन का काम भी दे दिया गया। तो चार इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन स्टडीज, परफॉर्मेंस, प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिलीवरी सिस्टम्स, एंड द इंपैक्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। ये चार स्टडीज आप कैरी आउट करेंगे किसी भी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन में। जो ऑब्जेक्टिव्स थे इस प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कब स्टैब्लिश किया गया, 1952, प्लानिंग कमीशन 1951, और शुरुआत में पीईओ को क्या मैंडेट रहा कि आप जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, IADS, इन्हीं को देखेंगे। लेकिन फिर फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, अलग अलग सेक्टर्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और उसके बाद में स्टेट्स का इवैल्यूएशन भी प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन करने लगी। इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे कि पहला, कि जो प्रोसेस है और इंपैक्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, इसको आप असेस करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे हमको सक्सेस मिली, और उनको भी आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे शायद हम इतने सक्सेसफुल ना रहे, जिनको आप फेलियर्स भी कह सकते हैं। अलग अलग बेसिकली स्टेजेस के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्लानिंग हो, या फिर एग्जीक्यूशन हो। साथ ही साथ आप उन एरियाज को तो आइडेंटिफाई करेंगे जहां सक्सेसफुल रहे, जहां हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन सिर्फ एरियाज को आइडेंटिफाई करने से हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। आप सीखेंगे तब इन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ आप उनके जो रीजंस हैं, क्या कारण रहे कि हम सक्सेसफुल रहे, इनेबलर्स क्या हैं और क्या कारण रहे कि हम फेलियर रहे, मतलब स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या हैं, क्या अच्छी चीजें, अच्छा एनवायरनमेंट रहा, क्या रुकावटें रही। जब तक इसको आप नहीं समझ पाएंगे, अगले बेसिकली प्रोग्राम को आप बेटर डिजाइन और बेटर इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया पीईओ का। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव हुआ कि जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं और लोगों के जो रिएक्शंस हैं, उनका फीडबैक है, उसको आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए, ताकि अगर हमारा एंड कस्टमर, हमारी जनरल पब्लिक बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है हमारे प्लान से, उनके इंप्लीमेंटेशन से, तो हम फ्यूचर में अपने नए प्लान्स को, पॉलिसीज को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ आप एडवाइस करेंगे नए प्लान्स के फॉर्मुलेशन में और उनके इंप्लीमेंटेशन में, ताकि आपका जो इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल फीडबैक है, जिसमें आपने लोगों से भी उनका रिएक्शन लिया है, उनका फीडबैक लिया है, उनके एक्सपीरियंस को आपने देखा है, इसको भी फ्यूचर प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज में, स्कीम्स में हम इंट्रोड्यूस कर सकें। और फाइनली, जैसा आईईओ के साथ हुआ, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ वैसा ही प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ। दोस्तों, सितंबर 2015 में जो ये नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस या डीएमईओ, इसके साथ आईईओ जो 2014 में क्रिएट की गई, उसको प्लस ये जो पीईओ 1952 से चली आ रही थी, इन दोनों को मर्ज कर दिया। और ये जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस डीएमईओ क्रिएट किया गया सितंबर 2015 में, ये जो आईईओ के फंक्शंस थे और जो पीईओ के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स थे, फंक्शंस थे, इन दोनों को मर्ज करके एक मदर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सेटअप कर दिया गया। दोस्तों, तो इतनी देर से हम बार बार बात सुन रहे हैं डीएमईओ, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, क्या एक्चुअली है ये जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस या डीएमईओ रहा, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया किसको मर्ज करके? प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस जो 1952 में स्टार्ट हुआ था और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस जो 2014 में बेसिकली गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इन दोनों को मर्ज करके सितंबर 2015 में डीएमईओ या डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस एग्जिस्टेंस में आया। और इसको किसके अटैच्ड ऑफिस के तौर पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया? नीति आयोग। पहले के जो दोनों ऑफिसेस थे वो प्लानिंग कमीशन के अटैच्ड ऑफिसेस थे, लेकिन ये जो डीएमईओ का ऑफिस है, क्योंकि चाहे प्लानिंग कमीशन हो या उसका कोई रिप्लेसमेंट हो जैसे नीति आयोग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो हमेशा चाहेगी अगर एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी, कि जो हम प्लान्स बना रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इनका हमको रियल फीडबैक भी मिले। वरना ऐसा ना हो कि हम सब अच्छा अच्छा सोचते जाएं, जो हमारा एंड कस्टमर है वो सेटिस्फाइड ना हो, अपनी गलतियों से हम ना सीखें, या जो हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जहां हम सक्सेसफुल रहे हैं, उन चीजों को हम आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट ना करें। तो इसको नीति आयोग के अटैच्ड ऑफिस के तौर पे सितंबर 2015 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसका एम यही रहा कि जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का मैंडेट है नीति आयोग का, उसको फुलफिल करेगी उनकी ये आर्म, उनका ये अटैच्ड ऑफिस, जो कि डीएमईओ के रूप में जाना जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस लगभग आपको जो पीईओ या आईईओ ऑफिस के फंक्शंस थे उसी टाइप के सुनाई देंगे, समझ में आएंगे। पहला फंक्शन कि किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस और एफिशिएंसी को, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं प्रोग्राम्स की उनकी, और कहीं पे हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे मिड कोर्स करेक्शन हो, मतलब प्रोग्राम आपने लॉन्च कर दिया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया, आपने इवैल्यूएट करना शुरू किया, अगर आपको मान लीजिए एक साल बाद लगता है कि इस प्रोग्राम में ये चीज हम बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, या ये करेक्शन की जरूरत है क्योंकि चीजें चेंज हो गई, डायनेमिक्स चेंज हो गई, तो ये मैंडेट भी रहेगा डीएमईओ ऑफिस का, पहला मैंडेट। दूसरा मैंडेट होगा कि आप इवैल्यूएट करेंगे जो प्रोग्राम्स हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को, साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हमको चाहिए होंगे जिनसे हमारी जो डिलीवरी है उसको हम ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। नीति आयोग के पार्ट के तौर पे डीएमई को एडवाइजरी बेसिकली पावर्स दी गई, जो एडवाइज कर सकती है किसको, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, किसके, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। इसके अलावा विद इन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के अंडर भी क्रॉस या इंटर मिनिस्ट्रियल पर्सपेक्टिव या कोऑर्डिनेशन में भी डीएमईओ ऑफिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो सेक्शंस हैं, उनके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में भी डीएमईओ ऑफिस एक नोडल, एक थ्रेड की तरह एक्ट करेगा। बाद में इसको स्टेट्स के लिए भी एक टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे मैंडेट दिया गया। इसका मैंडेट रहा आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, मतलब कि किस तरीके से हमारा क्या आउटपुट है किसी प्रोग्राम का, पॉलिसी का, क्या उसका बेसिकली आउटपुट है, क्या उसका आउटकम है, ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डीएमईओ ऑफिस इवैल्यूएट करेगा, उसका फीडबैक देगा सेंटर को, मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, साथ ही साथ एज ए टेक्निकल एडवाइजर स्टेट्स को भी। जो ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया यूनियन बजट ऑफ 2019-20 जिसको कहा गया आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, इसमें कुछ मेजरेबल इंडिकेटर्स जिनको आप एग्जैक्टली मेजर कर सकें एक स्केल पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, मतलब जो आउटकम जो होगा, इनको तैयार किया गया और इनको सबसे पहले लागू किया गया जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। हर स्कीम का सेक्टरल रिव्यू बेसिकली किया गया, क्या उसके आउटकम डिजाइन थे अचीव होने के लिए, एक्चुअल में क्या अचीव हुआ, इन सबको इंडिपेंडेंटली कैसे हम इवैल्यूएट कर पाएंगे, ये डीएमईओ ने स्टार्ट किया अपने आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क के रूल्स के अंडर। और ये जितने भी फंक्शंस थे या स्पेशल फीचर्स थे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के, चाहे वो आईईओ हो, पीईओ हो, ये अब सारे के सारे दे दिए गए डीएमईओ को कब, सितंबर 2015 में, ताकि ये सिंगल ऑफिस अकेला मॉनिटरिंग का और इवैल्यूएशन का काम कर सके, ताकि जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, ताकि हम अपने कंट्री को अब एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन पाथ पर ले जा सकें। दोस्तों, तो तीन इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इन दोनों को मर्ज करके डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस डीएमईओ, जो नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। इन तीनों के बारे में जब डिस्कशन हो गया, तो अब हम चलते हैं आज के हमारे मेन डिस्कशन पे। आज का जो मेन डिस्कशन है वो है नीति आयोग पे, कैसे बना नीति आयोग, क्या वो सर्कमस्टांसेस रहे या क्या वो थॉट प्रोसेस रही जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करते हुए नीति आयोग को एग्जिस्टेंस में लाया गया। अगर हम मिड 2014 की बात देखें तो उस वक्त जो जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें जब नई स्टेबल गवर्नमेंट विद ए बिग मैंडेट इलेक्ट हुई, तो नई गवर्नमेंट को लगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक नई एनर्जी इन्फ्यूज करें, किस तरीके से जो फेडरल पॉलिटी है, मतलब सेंटर स्टेट किस तरीके से आपस में मिलकर काम करते हैं, उसको एक नई परिभाषा, नई बेसिकली डेफिनेशन दें, ताकि पूरे कंट्री का, डिफरेंट स्टेट्स का जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट एजेंडा है, उसको और तेजी से सेंटर और स्टेट्स मिलकर आगे बढ़ा सकें। नई गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी शिफ्ट को अनाउंस किया कि किस तरीके से हम जो स्टेट्स हैं, सेंटर नहीं, जो स्टेट्स हैं, उनको अब हम फ्रंट पे लाएं, उनको हम ज्यादा फाइनेंशियल स्पेस दें, उनको ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, ताकि वो एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर के तौर पे काम कर सके पूरे कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आगे ले जाने में। और इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने फाइनली प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया और इसको रिप्लेस किया एक नई बॉडी जिसका नाम दिया गया नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग की क्या फुल फॉर्म होगी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसमें जो सेंट्रल थीम रही इस न्यू बॉडी की, वो रही टीम इंडिया। मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच की बजाय कि जो ऊपर से कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया या नीति आयोग ने कह दिया, वो नीचे वाले सब ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे, चाहे उनको इसकी जरूरत हो या ना हो, इसको चेंज किया जाएगा। अब एक टीम स्पिरिट में काम किया जाएगा, जिसमें सेंटर के साथ साथ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट या लीड रोल अब प्ले करना शुरू कर देंगे। नीति आयोग की क्या अभी तक की परफॉर्मेंस रही है अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। इस वजह से जब तक एक डिकेड रफली और नहीं निकल जाता तब तक इसका इवैल्यूएशन करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। इवन एक अगर आप एकेडमिक कंपैरिजन भी करना चाहें कि प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग, तो अभी तक इतना टाइम लैप्स नहीं हुआ है कि प्लानिंग कमीशन ने इनिशियल ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया, नीति आयोग कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका एक रियलिस्टिक बेसिकली कंपैरिजन हम कर सकें। तो उस कंपैरिजन से अभी हम बचेंगे। हो सकता है 5 साल बाद अगर हम ये डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तब तक हो सकता है नीति आयोग की परफॉर्मेंस के ऊपर एक कोहेसिव थॉट प्रोसेस पूरे कंट्री का डेवलप होना शुरू हो गया हो। चाहे प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो, एक चीज अभी भी कॉमन है, कंटिन्यू है कि इंडिया प्लानिंग कमीशन जब बना गया था तब भी एक प्लान्ड इकोनॉमी थी, और नीति आयोग जब बना दिया गया है एंड इवन इन 2021 अभी भी इंडिया एक प्लान्ड इकोनॉमी ही है। नीति आयोग को कब सेटअप किया गया? जनवरी 1st 2015 में। और गवर्नमेंट को यह लगने लगा जब नीति आयोग को सेटअप किया कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस पिछले 6-7 डिकेड्स में आ गए हैं कि जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है प्लानिंग कमीशन का, वो शायद नए इंडिया, नए भारत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा ना कर सके, न्यू इंडिया के एस्पिरेशंस को पूरा ना कर सके। इस वजह से एक नई बॉडी की अब हमें जरूरत है जो एक्चुअली ट्रेडिशनल या पुराना रोल हुआ करता था प्लानिंग बॉडी का, उससे बाहर निकल के कुछ डिफरेंट सोचना शुरू करे, प्लानिंग की बजाय ट्रांसफॉर्म करने की तरफ सोचना शुरू करे। और नीति आयोग को कुछ मेजर मैंडेट्स दिए गए। पहला मेजर मैंडेट, जैसा कि नाम बताता है, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो पहला मैंडेट रहा नीति आयोग का ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि आपका मेजर ऑब्जेक्टिव, टारगेट, मैंडेट, काम होगा कि इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। और गवर्नमेंट का एम रहा कि नीति आयोग की हेल्प से जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा है पूरे देश का, उसको किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करें। और एक स्लोगन भी दिया गया, फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, मतलब सिर्फ प्लानिंग ही सफिशिएंट नहीं है नए इंडिया के लिए, नई एस्पिरेशंस के लिए, नए सर्कमस्टांसेस के लिए। प्लानिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है या प्लानिंग ही सफिशिएंट नहीं है, अब हमें प्लानिंग से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंडिया को ले जाना होगा। इंडिया ने बहुत सारे चीजों में, एरियाज में मेजर चेंजेस को विटनेस किया है, चाहे वो हमारी पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, टेक्नोलॉजी हो, या इवन हमारी जो डेमोग्राफी हो। और इस वजह से जिस पुराने ढर्रे पर या पुराने सर्कमस्टांसेस पे या पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी या डेमोग्राफी के ऊपर प्लानिंग कमीशन बेस्ड थी, अब वो ऑब्सोलीट सी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब चेंजेस आ रहे हैं तो चेंज के साथ हमें भी, गवर्नमेंट को भी, प्लानिंग प्रोसेस को भी, इकोनॉमी को भी कुछ नया सोचना होगा। किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाए जो एक्चुअली एक हिंड्रेंस ना रहे, लेकिन एक ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरमेंट, एक होलिस्टिक अप्रोच ले पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को। और जो शुरुआत में सिर्फ पब्लिक सेक्टर हैवी हमारी इकोनॉमी रही, उससे बाहर निकले, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बाहर निकले, ग्लोबली देखे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको इंडिया में इंप्लीमेंट करवाना शुरू करें। और कुछ बेसिक फाउंडेशंस के साथ नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये जो बेसिक फाउंडेशंस मैं कहूंगा, ये बेसिक फाउंडेशंस हुई पहली कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की, कि अब वो जो टॉप डाउन स्ट्रक्चर रहा कि प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, स्टेट्स को, ब्लॉक्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको चेंज किया जाए। अब स्टेट्स को भी एक इक्वल पार्टनर की तरह पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस में एस्टैब्लिश किया जाए। तो एक फाउंडिंग पिलर रहा कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का। दूसरा इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पिलर रहा नीति आयोग का एक थिंक टैंक का, कि जो नीति आयोग है एक नॉलेज हब की तरह, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल सोर्सेज हो, उसके अलावा गुड गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि एक रिपोजिटरी के तौर पे काम करेगा, जिसको सेंटर, मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, हर कोई यूटिलाइज कर पाएगा। दोस्तों, अलग अलग एरियाज की डोमेन नॉलेज, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट्स अलग अलग लेवल्स पे नीति आयोग के थिंक टैंक में अवेलेबल होंगी। सेकंड फाउंडेशनल पिलर, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म एंड थिंक टैंक। और तीसरा फाउंडेशनल पिलर होगा एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा, जो कि इंप्लीमेंटेशन से लेके, मॉनिटरिंग से लेके, गैप्स को प्लग करने से लेके, या अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाने को लेकर, सेंटर स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने से लेके, जो जॉइंट परसूट है हमारे डेवलपमेंटल गोल्स की, ऐसा एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा नीति आयोग। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, थिंक टैंक, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। इंडिया के जो कॉन्टूर्स हुए वो चेंज होते चले गए, और अगर हम मोटे मोटे तौर पे जो पेपर्स पब्लिश किए गए नीति आयोग से, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो 6 इंपॉर्टेंट एरियाज में इंडिया ने पिछले 65 इयर्स में रफली मेजर चेंजेस विटनेस किए हैं, और इन मेजर 6 एरियाज में जो चेंजेस देखे गए हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें एक नई लीन मीन मशीन को इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, जो एक्चुअली 21st सेंचुरी की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको केटर टेलर कर सके। कौन से हैं ये 6 इंपॉर्टेंट एरियाज जिसमें पिछले 6.5 डिकेड्स में हमने मेजर चेंजेस देखे, और इन चेंजेस की वजह से प्लानिंग कमीशन, हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर, हमें ऑब्सलीट होता हुआ नजर आया, और एक नए स्ट्रक्चर की, नई ऑर्गेनाइजेशन की, नए इंस्टीट्यूशन की हमें जरूरत महसूस होने लगी। पहला मेजर एरिया, पहला मेजर चेंज, डेमोग्राफिक शिफ्ट। डेमोग्राफिक शिफ्ट की अगर हम बात देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली 1960s के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 130 करोड़ प्लस हो चुकी है, जिसमें रूरल के बजाय अब अर्बन माइग्रेशन ज्यादा देखा जा रहा है। रफली 40 करोड़ हमारी पॉपुलेशन अब अर्बन एरियाज में रहने लग गई है। साथ ही साथ ऐसा यूथ जिसकी एज 35 ईयर से कम हो, वो 60 करोड़ से भी ज्यादा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का जब हमारा डिस्कशन हुआ, उस बारे में आपसे बात की, उसके तौर पे हमारे कंट्री में अभी अवेलेबल हैं। इसका मतलब जो अभी 60 करोड़ से ज्यादा यूथ जिनकी एज 35 है, अगर इसको हम कंपेयर करें 1950-60s की पॉपुलेशन से, तो उस वक्त की टोटल जो पॉपुलेशन थी उससे भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा तो सिर्फ इतने यूथ हैं जिनकी एज 35 ईयर से कम है। दिस इज यंग इंडिया। उसके साथ हमारे जो इंक्रीजिंग लेवल्स हैं डेवलपमेंट के, आप देख लीजिए, बेटर लिटरेसी देख लीजिए, कम्युनिकेशन देख लीजिए, या लोगों के एस्पिरेशंस आप देख लीजिए, या 1950s, 60s, 70s की बात देखें तो उस वक्त स्कैर्सिटी थी, हर चीज की ऑलमोस्ट कमी थी, खाने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, कार से लेके, फोन से लेके, रोड से लेके, इलेक्ट्रिसिटी की। अब वो जो बेसिक नीड्स हैं धीरे धीरे सैचुरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जो फोकस होगा स्कैर्सिटी एनवायरनमेंट से अब सरप्लस एनवायरनमेंट, अब हम फूड सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी धीरे धीरे सरप्लस में हम लोग आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेटर होता जा रहा है। सरप्लस सेफ्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली कैसे बेटर हो हमारे जनरल पब्लिक का, इस पे अब फोकस है। सो टोटल थीम चेंज हो गई, स्कैर्सिटी, कमी से लेके अब सेफ्टी, सरप्लस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक। इसका मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का इंडिया, पॉपुलेशन 3 गुना से ज्यादा, 35 ईयर से जो एज ग्रुप है कम वो 60 करोड़ से ज्यादा, और स्कैर्सिटी से सरप्लस, सेफ्टी एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब जब इंडिया इतना चेंज हो गया डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्चुअली जो हमारा ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओल्ड गवर्नेंस सिस्टम पे बेस्ड है, वो क्या इन नई चेंजेस के हिसाब से डिलीवर कर पाएगा, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा। ये एक मेजर एरिया रहा, थॉट प्रोसेस रहा, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग स्टैब्लिश करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर हम शिफ्ट देखें, डेमोग्राफिक शिफ्ट के बाद इकोनॉमिक शिफ्ट। जो इंडिया की इकोनॉमी है ये एक बहुत मेजर शिफ्ट के थ्रू जा रही है। अगर कुछ नंबर्स हम देख लें तो एक्चुअली 1950-60s की जीडीपी के मुकाबले इंडिया की अभी की जो इकोनॉमी है वो रफली 100 टाइम्स मोर है, 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। उस वक्त इंडिया की जीडीपी रफली 10,000 करोड़ हुआ करती थी और अब ये ऑलरेडी 1.2 लाख करोड़ से बेसिकली ज्यादा है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे ऑलरेडी इमर्ज हो चुकी है। इसके अलावा जीडीपी ओवरऑल तो एक बात, लेकिन जीडीपी में कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें भी मेजर शिफ्ट हम देख चुके हैं। एग्रीकल्चर उस वक्त ऑलमोस्ट 50-60% कंट्रीब्यूट करता था हमारी टोटल जीडीपी का और अभी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, रफली 15-16%। मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बेसिकली थर्ड से भी कम होता हुआ दिखाई देता है। साथ में जो प्लानिंग साइज है 5 ईयर प्लान की, वो 12th 5 ईयर प्लान की अगर आप साइज देखेंगे 2012 से 17 तक जो बेसिकली बनाया गया था 43 लाख करोड़। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 जिसकी ओवरऑल जो बजट था या प्लान साइज थी वो सिर्फ 2400 करोड़। प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो गई, स्ट्रैटेजीज हमारी चेंज हो गई, स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे चेंज हो गए, जो कि उस वक्त सिर्फ एक 10,000 करोड़ 50% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन और प्लान लेआउट सिर्फ 2400 करोड़ की इकोनॉमी से अब हम 1.2 लाख करोड़ की जीडीपी, ओनली 15% फ्रॉम एग्रीकल्चर, मोर देन 50% फ्रॉम सर्विसेज एंड उसके अलावा 43 लाख करोड़ का 12th 5 ईयर प्लान। तो इसलिए नया स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। डेमोग्राफिक शिफ्ट देखा, इकोनॉमिक शिफ्ट देखा, अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा। इसमें भी एक मेजर शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी अब विटनेस कर रही है और इंडियन इकोनॉमी को नर्चर करने के लिए गवर्नमेंट का रोल शुरुआत में जरूरी था, लेकिन अब एक पैराडाइम शिफ्ट हमको देखने को मिला है। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद खासतौर से जो हमारी इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सभी की अगले लेक्चर नंबर 9 में हम बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इनकी वजह से इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको मिलने लग गई और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर, चाहे आप एयरलाइन सेक्टर देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लें, आप रिसोर्स मैनेजमेंट देख लें, आप टेलीकॉम सेक्टर देख लें, इवन आप डिफेंस सेक्टर देख लें, इवन आप रेलवेज देख लें, इन सभी में इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अब बढ़ चढ़ के केपेबल तरीके से एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर के तरीके से अब रोल प्ले करना शुरू कर चुका है। पहले ये सेक्टर बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में एक्ट करता था, लेकिन अब सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे हमारे जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, चाहे वो टाटाज हों, चाहे वो रिलायंस हों, चाहे वो अडानीज हों, उसके अलावा भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंफोसिस हों, ये सभी डोमेस्टिक के अलावा ग्लोबली भी अपने आप को एक मेजर ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर चुके हैं। और इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्लानिंग कमीशन का था, जो पब्लिक सेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था, प्राइवेट सेक्टर की तरफ शायद इतना नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम चेंज की भी जरूरत है क्योंकि गवर्नमेंट का रोल अब कम हो गया है। गवर्नमेंट का रोल पहले था कि किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं, एक कमांड एंड कंट्रोल इकोसिस्टम कि ऊपर से जो कहा जाए नीचे तक उसको फॉलो किया जाए, उससे अब हमें हटने की जरूरत है, शिफ्ट होने की जरूरत है। अब हमें एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा जो इनेबलर हो कि हम आपको एक प्रॉपर रेगुलेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, एक माहौल प्रोवाइड करेंगे, बेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है ये बेटर फ्लरिश कर सके। इसका मतलब हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से अब एक इनेबलिंग कैटलिस्ट रोल की तरफ मूव करना जरूरी है। इसके अलावा जो नेशनल डेवलपमेंट है अब ये पब्लिक सेक्टर से मूव होना चाहिए। हम 1991 के बाद ही देखेंगे कि बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट्स ने धीरे धीरे करके जो हमारे मेजर पब्लिक सेक्टर एरियाज थे जहां पर हमारा प्राइवेट सेक्टर बेसिकली केपेबल हो गया, अवेलेबल हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, वहां से विड्रॉ करना शुरू कर दिया कि अब गवर्नमेंट को ट्रांजिशन करना होगा कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट है, उस इमेज को हटाना होगा। गवर्नमेंट मेजर प्लेयर है इकोनॉमी में, उस इमेज से हटाना होगा। अब हमें सिर्फ एक कैटलिस्ट, इनेबलर, एक अच्छा माहौल देने की तरफ फोकस करना होगा। इनेबलिंग एनवायरमेंट कैसे हम बनाएं, ताकि जो ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर केपेबल है, इंटरेस्टेड है, अवेलेबल है, वहां प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए क्योंकि वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। और गवर्नमेंट इन सब एरिया से जब फ्री हो जाएगी तो गवर्नमेंट अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है या प्रेशियस रिसोर्सेज हैं, उनको जो पब्लिक वेलफेयर डोमेन्स हैं जैसे कि एसेंशियल एंटाइटलमेंट हमारे फूड के, न्यूट्रिशन के, हेल्थ के, एजुकेशन के, लाइवलीहुड है जो हमारे वनरेबल और मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, इन एरियाज पे गवर्नमेंट फोकस कर सके क्योंकि इन एरियाज में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर जनरली इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तीसरा मेजर चेंज, जो चौथा मेजर चेंज है वो है फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि पिछले कुछ डिकेड्स में हमने बहुत क्लियरली देखा है कि एक्चुअली अब अगर आप देखें एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। आपके दोस्त, यार, फैमिली, फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आए दिन बेसिकली फ्लाई करते हैं ग्लोबली, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, इवन इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। तो अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गई है। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो या नेटवर्क, इंटरनेशनल मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस हो, और इस वजह से इंडिया आइसोलेटेड तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। इंडिया में कुछ होता है, ग्लोबल इंपैक्ट होता है, ग्लोबली कुछ होता है, इंडिया में इंपैक्ट होता है। इंडियन वर्कफोर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को हेड करने लग गई है, वहां पे कंट्रीब्यूट करने लग गई है, और ग्लोबल कंपनीज इंडिया में हेविली अब इन्वेस्ट करने लग गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये प्लानिंग कमीशन के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करता था। नया कॉन्सेप्ट है, नया इंस्टीट्यूशन, नई थॉट प्रोसेस। फिफ्थ मेजर चेंज, स्टेट्स का क्या रोल होगा, रोल ऑफ द स्टेट्स। जो इंडियन स्टेट्स हैं पहले वो सिर्फ एक डिपेंडेंट के रूप में एग्जिस्ट करती थी कि सेंटर पैसा, ग्रांट, स्कीम्स के थ्रू फंडिंग जो देगा स्टेट्स को, उसी पे टोटली वो फोकस रहेंगी अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। लेकिन अब इस नई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेंटर की कोशिश है कि किस तरीके से ये जो पुरानी स्ट्रैटेजी रही है वन साइज फिट्स ऑल, मतलब कि जो सेंटर ने कह दिया नीचे वाले उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करें, इस पॉलिसी को हटा के अब सेंट्रलाइज प्लानिंग से दूर हटते हुए किस तरीके से अब हम स्टेट्स को एक मेजर रोल प्रोवाइड करें, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मॉडल की तरफ हम मूव करें। जैसा डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा था कि इट इज अनरीजनेबल टू सेंट्रलाइज पावर्स वेयर सेंट्रल कंट्रोल एंड यूनिफॉर्मिटी इज नॉट क्लियरली एसेंशियल और इज इम्प्रैक्टिबल। मतलब कि एक्चुअली किसी भी जगह पावर को सेंट्रलाइज करना या सेंट्रल कंट्रोल बेसिकली एस्टैब्लिश करना ना ही तो जरूरी है, ना ही डिजायरेबल है, ना ही रीजनेबल है कि अगर वहां जरूरत ही ना हो। मान लीजिए आप हर गांव के लिए एक जैसा मॉडल अप्लाई कर दें या हर स्टेट के लिए एक जैसा मॉडल अप्लाई कर दें, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जैसा मॉडल अप्लाई कर दें, तो क्या ये सही होगा? हो सकता है नोएडा को जो जरूरत हो, चेन्नई को जो जरूरत हो, अलग टाइप की हो सकती है। चंदौली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग टाइप की हो सकती हैं। वहीं आप अंडमान निकोबार चले जाएं, लक्षद्वीप चले जाएं, जो हमारे आइलैंड बेसिकली स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, वहां की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की डिफरेंट हो सकती है, राजस्थान डेजर्ट एरिया की डिफरेंट हो सकती है, सेंट्रल इंडिया की डिफरेंट हो सकती है, साउथ इंडिया की डिफरेंट हो सकती है। तो इस सेंट्रलाइजेशन से कैसे दूर हटा जाए, स्टेट्स को एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे दिया जाए, उनको ड्राइविंग पोजीशन पे कैसे बिठाया जाए। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चेंज रहा टेक्नोलॉजी में, जो चेंज टेक्नोलॉजी पैराडाइम की, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुए, इंफॉर्मेशन एक्सेस अब हम कर सकते हैं, उसको कैसे यूज किया जाए। जो इंडिया की एनर्जी है, पोटेंशियल है, जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, कैसे कैसे हम डिफरेंट रीजन्स को इंटीग्रेट करेंगे, उनको कैसे बेसिकली इंटरलिंक करेंगे, सोसाइटी को नए नए एवेन्यूज, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन के एरियाज को कैसे हम टैप कर सकते हैं इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एक बहुत सब्सटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर चुका है और ज्यादा प्ले करेगा। ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाई जाए, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी लाई जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में। इसका मतलब अब हमको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंटेबल पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, वो भी एक मैंडेट होगा किसका, इस नई ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग का। तो ये 6 एरियाज में इंपॉर्टेंट चेंजेस विटनेस किए गए। ये एक मेजर रीजन रहा गवर्नमेंट की इस थॉट पे कि जो पुराना सेटअप रहा प्लानिंग कमीशन का, वो एक अलग एनवायरमेंट के लिए, एक अलग इंडिया के लिए, एक अलग टाइप की इकोनॉमी के लिए, अलग डेमोग्राफी के लिए, अलग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एनवायरनमेंट के लिए या टॉप डाउन सेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए बनाया गया था, ऑपरेट कर रहा था। अब इंडिया बहुत चेंज हो गया है, ग्लोबलाइज्ड हो गया है, यंग हो गया है, प्राइवेट प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गया है, फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए, स्टेट्स को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाए। इन सभी चीजों को देखते हुए अब जरूरत है कि इंस्टीट्यूशन को भी हम ट्रांसफॉर्म करें। इन 6 एरियाज के ऑब्जर्वेशंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या एमिनेंट लोगों के ऑब्जर्वेशंस भी रहे कि प्लानिंग कमीशन की फंक्शनिंग अब कैसे ऑब्सोलीट सी होती हुई दिखाई देती है। इनके बारे में भी एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए। जैसे इन 6 एरियाज में क्या क्या चेंजेस आए, डेमोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इनेबलर एनवायरमेंट की तरह हो। इनके अलावा जो हमारा 8th 5-year प्लान था 1992 से 1997, उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी बहुत कैटेगरिकली कहा गया कि एक्चुअली जो रोल है गवर्नमेंट का, क्योंकि 1992-97 का जो 8th 5-year प्लान था, ये इकोनॉमिक प्रोसेस या इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस जो हमारी जुलाई 1991 से स्टार्ट हुई, उसके बाद पहला 5-year प्लान लॉन्च किया गया। तो इस प्लान डॉक्यूमेंट में इस चीज को एक्नॉलेज किया गया, रियलाइज किया गया, माना गया, इसका संज्ञान लिया गया कि गवर्नमेंट का जो रोल है इसको अब रिव्यू किया जाना पड़ेगा, खासतौर से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हमारी प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। और यह भी कहा गया कि जो प्लानिंग कमीशन है इसको खुद को बहुत रैपिडली रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, नई टाइप के ट्रेंड्स हैं, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, लिबरलाइजेशन आ रहा है, इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में मेजर तरीके से किक इन कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग कमीशन की पुरानी ओल्ड प्रैक्टिसेस, बिलीफ सिस्टम्स, अब उनका रेलिवेंस खत्म हो गया हो। इस वजह से प्लानिंग कमीशन को अपनी नई प्रैक्टिसेस, पुराने एक्सपीरियंसेस को भुला के एक नई इंडिया के लिए अपने को केटर करना पड़ेगा, खासतौर से किसके दौर में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर में। तो 8th प्लान का भी ऑब्जर्वेशन कब था, 1992। सेकेंड मेजर ऑब्जर्वेशन, जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस है किसकी, 15th लोकसभा, उन्होंने भी अपनी 35th रिपोर्ट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स 2011-12 में बहुत क्लियरली कहा कि प्लानिंग कमीशन को अब जो नई इमर्जिंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उनके साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, ताकि अपने आप को ज्यादा रेलिवेंट और इफेक्टिव ये बना सके। साथ ही साथ इनको अलाइन करना पड़ेगा पूरी प्लानिंग प्रोसेस को, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और उसके बाद जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है या ग्लोबलाइजेशन की जो थीम निकल कर आ रही है, इसके साथ कैसे सिंक में रहे पूरी प्लानिंग प्रोसेस हमारी। और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन हम कह सकते हैं वो है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने जब अप्रैल 2014 में अपनी फेयरवेल स्पीच रही प्लानिंग कमीशन की, उसमें भी कहा कि एक्चुअली अब प्लानिंग कमीशन को सोचना होगा कि व्हाट रोल द प्लानिंग कमीशन वांट्स टू प्ले इन दिस न्यू वर्ल्ड। क्या रोल प्ले करना चाहती है प्लानिंग कमीशन इस नई दुनिया में? क्या प्लानिंग कमीशन अभी भी पुराने टूल्स, अप्रोचेस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहा है जो एक अलग टाइम के लिए, अलग एरा के लिए डिजाइन किए गए थे? इसके अलावा प्लानिंग कमीशन को अब यह भी सोचना होगा कि कौन से नए रोल्स अभी प्ले करना चाहती है, उसके लिए इसके पास कैपेसिटी है या नहीं, या कौन सी नई कैपेसिटीज प्लानिंग कमीशन को डेवलप करनी पड़ेगी ताकि नई रियलिटीज को बेसिकली डिलीवर कर सके प्लानिंग कमीशन। इंटरेस्टिंग थॉट्स फ्रॉम ए नोटेड इकोनॉमिस्ट हु आल्सो हैपन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और फाइनली गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट महात्मा गांधी जी का, उन्होंने कहा कि एक्चुअली कांस्टेंट डेवलपमेंट इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड ए मैन हु ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन हिज डॉगमास इन ऑर्डर टू अपीयर कंसिस्टेंट ड्राइव्स हिमसेल्फ इनटू फॉल्स पोजीशन। मतलब कि बदलाव, डेवलपमेंट, ये एक लगातार प्रक्रिया है, हमेशा चलते रहने वाली प्रोसेस है। और कोई भी व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन या कंट्री अगर इस गलत फहमी में जिए कि मुझे पुराने ही ढर्रे पे चलते जाना है, तो एक्चुअली वो सिर्फ खुद को ही बेवकूफ बना रहा है या मूर्ख बना रहा है। मतलब कि जब चीज़ें चेंज हो रही हैं, दुनिया चेंज हो रही है, उसके साथ हमें भी अपने आप को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना ही होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन एक्सरसाइज के थ्रू गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक्चुअली अब प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को स्टैब्लिश किया जाए दोस्तों। और प्लानिंग कमीशन के अबॉलिशमेंट के बाद नीति आयोग के इंसेप्शन फ्रॉम 1 जनवरी 2015 के बाद से नीति आयोग को कुछ बहुत क्लियर कट मैंडेट दिए गए, उनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए। पहला इंपॉर्टेंट मैंडेट दिया गया नीति आयोग को कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आप किस तरीके से कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे। मतलब नीति आयोग एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जो ऑपरेशनलाइज करेगा पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो स्टेट्स होंगे इनको भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिव पार्टिसिपेटरी रोल दिया जाएगा, जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनके फॉर्मुलेशन और फॉर्मुलेशन के साथ साथ उनके टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन, उसके साथ उनके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टारगेट्स के अचीवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी। और ये सब कुछ होगा सिर्फ एक सिंगल एजेंसी या एक सिंगल लीडरशिप के अंडर नहीं, ये होगा जो कंबाइंड अथॉरिटी होगी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, उनकी कंबाइंड अथॉरिटी के अंडर। इसका मतलब है कि कई सारे सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शंस अब होंगे यूनियन गवर्नमेंट और उसके साथ साथ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के, ताकि जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली समझा जा सके और स्ट्रैटेजीज कैसे उनको इंप्लीमेंट करना है, क्या मैकेनिज्म होंगे, उनके ऊपर भी एक कंसेंसस बनाया जा सके। जो पुराना हमारा अप्रोच रहा वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी, सेंटर से स्टेट तक, सेंटर ने जो कह दिया, प्लानिंग कमीशन ने जो कह दिया, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो कह दिया, स्टेट्स को वो एक तरीके से आंखें बंद करके फॉलो करना पड़ेगा, उसको अब हमें हटाना ही होगा। अब हमें एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन में, एक कांस्टेंट सेंटर स्टेट पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना होगा। जो आयोग है उसका यह भी काम है कि किस तरीके से सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट के बीच में कॉपरेशन को और कंपेटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म तो समझ में आ गया कि सेंटर स्टेट्स के साथ काम करेगा, स्टेट स्टेट्स के साथ काम करेंगी और कंबाइंड लीडरशिप होगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की। लेकिन फिर एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म क्या है? कंपेटिटिव फेडरलिज्म है कि जो एक्चुअली सेंटर है एक हेल्दी तरीके से, एक स्वस्थ तरीके से स्टेट्स के साथ कंपीट करेंगे कि हमने ज्यादा रिफॉर्म किए या आपने ज्यादा रिफॉर्म किए, हमारी बेटर इलेक्ट्रिसिटी हुई या आपकी बेटर इलेक्ट्रिसिटी हुई, हमारी बेटर एजुकेशन पॉलिसी हुई या आपकी बेटर एजुकेशन पॉलिसी हुई, हमारी बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई, आपकी बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज हुई, हमारे यहाँ पे ज्यादा लेबर रिफॉर्म्स हुए, आपके यहाँ ज्यादा लेबर रिफॉर्म्स हुए, ताकि कंपटीशन की भावना बनी रहे हेल्दी, ताकि जल्दी जल्दी बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। साथ ही साथ स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन कि राजस्थान ने ज्यादा अच्छा किया लेबर रिफॉर्म्स में या यूपी ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी स्टेट ने बेटर परफॉर्म किया है, तेलंगाना ने, आंध्रा ने, एमपी ने, पंजाब ने, दिल्ली ने, गोवा ने। तो आपस में कॉपरेट भी करें उन एरियाज में जो कॉमन एरियाज हैं, लेकिन साथ ही साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी रहे, ताकि उस कंपटीशन की वजह से एक परफॉर्मेंस प्रेशर, एक हेल्दी परफॉर्मेंस प्रेशर भी रहे और जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है इसको जॉइंट परसूट के तहत सेंटर, स्टेट्स और आपस में स्टेट्स मिलकर अचीव कर सकें। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि नीति आयोग कॉपरेटिव और कंपेटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगी। दूसरा मैंडेट हो गया कि जो शेयर्ड नेशनल एजेंडा है नीति आयोग उसको इवॉल्व करेगी कि किस तरीके से जो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, और स्टेट्स को उसमें बहुत एक्टिव रोल दिया जाएगा। यह फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा नेशनल एजेंडा को अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट टू प्लान एंड इंप्लीमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैंडेट हो गया शेयर्ड नेशनल एजेंडा। थर्ड इंपॉर्टेंट मैंडेट कि जो नीति आयोग होगा यह स्टेट का बेस्ट फ्रेंड होगा सेंटर में। इसका मतलब नीति आयोग ऐसा नहीं होगा कि सेंटर क्या कहना चाहता है, सेंटर बेसिकली क्या करना चाहता है, सिर्फ इसको वन वे तरीके से पुश कर सके स्टेट्स पे। लेकिन नीति आयोग एक इंपार्शियल तरीके से स्टेट्स की क्या जरूरत है, स्टेट्स को कैसे लीडिंग रोल दिया जाए, इस चीज को भी उतनी ही बेसिकली प्रायोरिटी दे। मतलब जो स्ट्रेंथ्स हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं, उसको हम कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, बेटर कंपैरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए यूज कर सके, ताकि हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है इसको हम आगे ले जा सके। ये काम करेगा नीति आयोग, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया कि जो बॉडी है इसका एक मेन पर्पस ये हो गया कि जो पुराना टॉप डाउन मॉडल था, प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती थी सबको फॉलो करना है, सेंट्रलाइज प्लानिंग की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट अब हम बॉटम अप मॉडल ले जाएंगे कि गांव को क्या जरूरत है, ब्लॉक्स को क्या जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट को क्या जरूरत है, उससे स्टेट्स को क्या जरूरत है, और उस स्टेट से फिर हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है या नेशनल प्लान्स हैं, इन सबको बनाया जा सकेगा। मतलब एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो जरूरत है उससे फीडबैक लेते हुए हमारे मेन प्लान्स बनेंगे, बजाय इसके कि योजना भवन को क्या लगता है, या प्लानिंग कमीशन को क्या लगता है, या नीति आयोग को क्या लगता है, चाहे गांव में, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में उसका उतना रेलिवेंस हो या ना हो, उसको फोर्स कर दिया जाएगा। इस मॉडल से हमें हटना है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, बॉटम अप मॉडल। उसके अलावा नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह एक्ट करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी, चाहे वो स्पेशलाइज्ड इनपुट्स हों, स्ट्रैटेजिक इनपुट्स हों, फंक्शनल इनपुट्स हों, टेक्निकल इनपुट्स हों, और ये इनपुट्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हों, सेंटर में साथ ही साथ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हों, या स्टेट गवर्नमेंट्स हों, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स हों, सभी को ये इनपुट्स एक थिंक टैंक की तरह अवेलेबल करवाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट मैंडेट कि विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग नीति आयोग करेगा। मतलब नीति आयोग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो हमारे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स होंगे, जो ओवरऑल बिग पिक्चर विजन होगी इंडिया की, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, और मेन प्लान के अलावा और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या काउंटर फैक्चुअल्स हो सकते हैं, इनको भी अकाउंट में लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लान बेसिकली क्रिएट करेगा, ताकि हम बेस्ट प्लान को पिक कर सकें, और उस बेस्ट प्लान को पिक करने के बाद उसका बेस्ट एग्जीक्यूशन हम इंश्योर कर सके। इसका मतलब एक मेजर ट्रांजिशन होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब हमारे फंडिंग या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, ये किस डायरेक्शन में मोल्ड किए जाएंगे, या नेशन किस डायरेक्शन में यूटिलाइज करना चाहता है, ये विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग नीति आयोग से बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस होंगे। जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट मैंडेट है, डोमेन स्ट्रैटेजीज। मतलब ये एक जो स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टीज हैं, उनका एक रिपोजिटरी की तरह यूज में आएगा, चाहे वो सेक्टरल हो, क्रॉस सेक्टरल हो, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को असिस्ट करना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, अपने अपने डेवलपमेंट प्लानिंग में। इसके अलावा एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह भी ये एक्ट करेगा। मान लीजिए स्टेट को किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसको स्टेट टैकल नहीं कर पा रहा है, तो वो नीति आयोग के डोमेन एक्सपर्ट्स या डोमेन स्ट्रैटेजिस्ट की हेल्प सीख कर सकता है। नीति आयोग की टीम वहां जाएगी, प्रॉब्लम को समझेगी और अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा पाएगी। और एक सेंट्रल एजेंसी का यह भी फायदा कि हो सकता है उसी एरिया से रिलेटेड सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम नीति आयोग ने किसी और स्टेट में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व की हो, या ग्लोबली ऑब्जर्व की हो सकता है स्टेट के पास उसकी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन नीति आयोग उस स्टेट से या उस कंट्री से उस चीज को लाकर जिस स्टेट को, जिस डिस्ट्रिक्ट को प्रॉब्लम है, वहां पर उसको इंप्लीमेंट करवा सकता है। सातवां इंपॉर्टेंट फंक्शन, साउंडिंग बोर्ड। साउंडिंग बोर्ड का मतलब है कि एक्चुअली जो भी आप कर रहे हैं उसका क्या एक्चुअली फीडबैक है, उसकी वेटिंग हो, या गवर्नमेंट की पोजीशंस उनको रिफाइन करने की बात हो, एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म और कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर व्यू क्या है, इसको भी नीति आयोग प्रोवाइड करवा पाएगा, ताकि गवर्नमेंट को एक्चुअली वास्तव में रियल फीडबैक मिल सके कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, क्या उनका इंप्लीमेंटेशन है, क्या उनका डिजाइन है, क्या उनकी प्लानिंग है, कहां सीख सकते हैं, कहां गलत है, कहां पे अच्छा कर रही है, सारी चीज एक साउंडिंग बोर्ड की तरह भी नीति आयोग एक्ट करेगा। इसके अलावा एथ इंपॉर्टेंट मैंडेट, नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज। मतलब कि जो एक्सटर्नल आइडियाज हैं, जो इंटरनल आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके, प्रोग्राम्स को लेके, किस तरीके से एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की हो, प्रैक्टिशनर्स की हो, पार्टनर्स की हो, उसको नीति आयोग बेसिकली डेवलप करे ताकि एक दूसरे से हम लर्न कर सकें, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में ला सके। और इवन इंडिया में भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसी लर्निंग को आप कैरी करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, विलेजेस में, स्टेट्स में, इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। और नीति आयोग का मैंडेट है कि अगर वो चाहें तो अकेडमिया मतलब यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज या पीपल एट लार्ज, इनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो पूरी पॉलिसी मेकिंग की हमारी प्रोसेस है उसमें, या उनके फीडबैक के लिए, उनकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करने के लिए। 9th इंपॉर्टेंट मैंडेट है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब ये बॉडी होगी जो एक्ट करेगी एक एक्यूमुलेटर की तरह, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आ जाए, फिर डिसेमिनेटर की तरह कि जहां जिस इंफॉर्मेशन, जिस नॉलेज, जिस एक्सपर्ट की जरूरत हो, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो एक्सपर्टीज वहां तक पहुंच सके। रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस, खासतौर से गुड गवर्नेंस को लेके, और ये सब किया जाएगा नीति आयोग द्वारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर के थ्रू, जो आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, शेयर करेगा, फैसिलिटेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का गुड गवर्नेंस पे। और ये इन्वॉल्व होंगे जो हमारे सेंट्रल और स्टेट की प्लानिंग प्रोसेस है। उसके बाद ये फोकस करेंगे कि किस तरीके से टेंजिबल आउटकम्स पे, जो रियल आउटकम्स, उसमें फोकस करें, रियलिस्टिक टारगेट्स हम सेट करें, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हम सेट करें, और एक रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड भी हम बेसिकली इंस्टीट्यूट करें, क्योंकि प्लान कितना अच्छा हो, इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा हो, अगर उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे, मैं भी एज एन आईएएस अपनी डे टू डे वर्किंग में देखता हूं कि अगर आप कोई भी टास्क हो, उस टास्क को दे देंगे, अच्छा प्लान है, फंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसको रेगुलरली आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे या उसको इवैल्यूएट का मतलब कौन सी चीज अच्छी चल रही है, किस एरिया में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पे हमारा गैप है, इस एक्सरसाइज को जब तक आप कैरी आउट नहीं करेंगे तब तक आप इफेक्टिवली डिलीवर शायद अपनी प्लान्स पे, पॉलिसीज पे नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो 10th मेजर मैंडेट है वो है हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन है कि प्लानिंग कमीशन पूरी हार्मोनाइजेशन को फैसिलिटेट करेगा ताकि जो अलग अलग लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, उनमें कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कन्वर्जेंस सारे स्टेक होल्डर्स में नीति आयोग इंश्योर कर सके। फिर 11th मैंडेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा ताकि चाहे इंटरसेक्टरल मतलब दो सेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंटर स्टेट्स या सेंटर स्टेट, इनमें अगर कोई इश्यू आ जाता है तो उसको कैसे बातचीत करके, कोऑर्डिनेट करके म्यूचुअल रेजोल्यूशन उसका किया जा सके। 12th मैंडेट कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड, मतलब बाहर की दुनिया या ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ स्ट्रैटेजिकली कैसे हम हार्नेस कर सके, उसके लिए इंडिया की डेवलपमेंट प्रोसेस का ये नोडल पॉइंट की तरह नीति आयोग एक्ट करेगा। दोस्तों, 13th मैंडेट इंटरनल कंसल्टेंसी, नीति आयोग एक इंटरनल कंसल्टेंसी फंक्शन भी ऑफर करेगा सेंटर, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, पॉलिसी डिजाइन्स पे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे। 14th मैंडेट कैपेसिटी बिल्डिंग, कि नीति आयोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो, गवर्नमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उनको जो लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स हैं या बेंचमार्क्स हैं उनके बेसिकली एट पार लाने के लिए क्या करना होगा कैपेसिटी बिल्डिंग का, इसके लिए भी नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल होगा। 15th मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये लास्ट फंक्शन या मैंडेट है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोजेक्ट जब तक उसको आप इफेक्टिवली मॉनिटर नहीं करेंगे, इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तब तक वो पॉलिसी प्रोग्राम, उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ सक्सेसफुल है, कहाँ इतने सक्सेसफुल नहीं है, इस चीज को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। जो पूरी पॉलिसी मेकिंग है इसको कैसे डेटा ड्रिवन हम कर दे, मतलब सिर्फ मुझे क्या लगता है कि बजाय कि डेटा ये कहता है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, घट रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्पीड से रैंप अप हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैसा कर रहा है, पावर जनरेशन कैसा हो रहा है, एग्रीकल्चर कैसा परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि बजाय डेटा ये कहता है। सो डेटा ड्रिवन, डेटा इनेबल्ड पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस कर सके, ये बेसिकली 15th फंक्शन है नीति आयोग का, 15th मैंडेट है नीति आयोग का, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का। दोस्तों तो मुझे लगता है कि अब तक का जो हमारा डिस्कशन है कि आईईओ इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑफिस क्या रहे, उसके बाद उनको मर्ज करके डीएमईओ कैसे क्रिएट किया गया, क्या मैंडेट रहा, उसके बाद वो क्या थॉट प्रोसेस, वो क्या 6 बड़े एरियाज रहे जिसमें इंडिया ने रैपिड चेंजेस देखे हैं पिछले 6.5 डिकेड्स में, चाहे डेमोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉपुलेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो या ग्लोबलाइजेशन हो, इन सभी की वजह से, टेक्नोलॉजी हो, इन सभी की वजह से गवर्नमेंट को प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करना पड़ा और नीति आयोग को इंस्टीट्यूट करना पड़ा 1 जनवरी 1915 को। उसके बाद 15 मेजर जो मैंडेट्स दिए गए नीति आयोग को, उसके बारे में हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया। अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस। लेकिन अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बताया नहीं कि नीति आयोग एक्चुअली ऑन ग्राउंड किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, कैसे फंक्शन बेसिकली करेगा। तो एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए अब स्ट्रक्चर ऑफ द नीति आयोग। गवर्नमेंट का शुरुआत से ही इस बात पे फोकस रहा कि हम वो गलती नीति आयोग के साथ नहीं होने देंगे जो प्लानिंग कमीशन के साथ हो गई, कि प्लानिंग कमीशन एक धीरे धीरे बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बन गया। नीति आयोग को हम एक लीन मीन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही मेंटेन करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे, जिसमें जो एक्सपर्टाइज है, चाहे फंक्शनैलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डोमेन नॉलेज है, ये एक बहुत मिनिमम स्ट्रक्चर पे हम मेंटेन कर सकें। इसका जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, ऑफिशियली अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है इसमें चेयरमैन, और जो डी फैक्टो चेयरमैन है वो है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चेयरमैन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट बॉडी गवर्निंग काउंसिल। इस गवर्निंग काउंसिल में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है रीजनल काउंसिल्स। इसका मतलब रीजनल काउंसिल्स का काम होगा कि कोई भी स्पेसिफिक इश्यूज हों या कंटिजेंसीज हों जिनसे एक या एक से ज्यादा स्टेट या बेसिकली कोई पर्टिकुलर रीजन इफेक्ट हो सकता है, उन इश्यूज को, एरियाज को टैकल करने के लिए रीजनल काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कन्वीन किया जाएगा। और कौन ही कॉन्स्टिट्यूट कन्वीन करेगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कि कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सा इशू है, क्या इशू को टैकल अप करना है, क्या कॉम्युनैलिटी है। कॉम्युनैलिटी हो सकता है ज्योग्राफिक कॉम्युनैलिटी, हो सकता है ज्योग्राफी की वजह से 3, 4, 5, 6 स्टेट्स को सिमिलर टाइप के इश्यूज को फेस करना पड़ रहा हो। इकोनॉमिक हो सकता है, कि 2-3 स्टेट्स को सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज को फेस करना पड़ रहा हो। सोशल इश्यूज हो सकते हैं या और भी कोई इशू हो सकता है, सेक्टरल इश्यूज हो सकते हैं। तो इस रीजनल काउंसिल में स्ट्रैटेजी प्लानिंग रहेगी नीति आयोग की। रीजनल काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी इस रीजनल काउंसिल का पार्ट होंगी, और ये रीजनल काउंसिल्स अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती हैं। अच्छा, रीजनल काउंसिल्स के ऑफिशियली क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं? एक तो इन रीजनल काउंसिल्स का एक स्पेसिफाइड टेन्योर होगा कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी मैंडेट हो। प्लस इनको एक मैंडेट दिया जाएगा कि किस तरीके से आप उस इशू को, हो सकता है वो सोशल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, ज्योग्राफिकल इशू हो, उसको रिजॉल्व करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे आप इंप्लीमेंटेशन को ओवरसी करेंगे। और ये रीजनल काउंसिल, इसके जो हेड होंगे ये ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और उन ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स में हो सकता है रोटेशनल बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर को आप उसका हेड बना दें। साथ ही साथ एक सेंट्रल मिनिस्टर भी इस रीजनल काउंसिल में होंगे। इसके अलावा जो सेक्टरल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं या डिफरेंट सेक्रेटरीज हैं, उनको भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डोमेन एक्सपर्ट्स हों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों। इसके अलावा जो आयोग की सेक्रेटेरिएट है उसको भी चाहे तो इस रीजनल काउंसिल्स के साथ आप अटैच कर सकते हैं, सपोर्ट फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं रीजनल काउंसिल। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नीति आयोग का स्पेशल इन्वाइटीज, जिसमें आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को, प्रैक्टिशनर्स को, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स को आप इन्वाइट कर सकते हैं एज स्पेशल इन्वाइटीज। और कौन नॉमिनेट कर सकता है इन एक्सपर्ट्स को? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पांचवा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इसके चेयरमैन हैं, इनके अलावा इसमें एक वाइस चेयरमैन होंगी, सब फुल टाइम होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स होंगे सभी फुल टाइम मेंबर्स होंगे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं, और पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम ऑफ 2। ये पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकता है यूनिवर्सिटीज से हों, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हों, या किसी रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से हों एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में। और ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं रोटेशनल बेसिस पे इनको रख सकते हैं, मैक्सिमम 2। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मैक्सिमम 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 4। और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैक्सिमम 4 को नॉमिनेट कर सकते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह। फिर एक इसमें सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जिनकी रैंक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। सेक्रेटेरिएट जैसा नीति आयोग को अप्रोप्रिएट लगे। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स भी होंगी। स्पेशलाइज्ड विंग, पहली रिसर्च विंग, जिसका काम होगा किस तरीके से इन हाउस सेक्टरल एक्सपर्टीज, उसके अलावा एक डेडिकेटेड थिंक टैंक, ताकि जो हमारे बेस्ट टॉप नॉच डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको रोप इन किया जा सके हमारी प्लानिंग के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए। रिसर्च विंग। दूसरी जो स्पेशलाइज्ड विंग है वो क्या है? कंसल्टेंसी विंग। जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि नीति आयोग का एक फंक्शन होगा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना भी, तो ये जो कंसल्टेंसी विंग है ये प्रोवाइड करेगी कि जो मार्केट प्लेस जहां पे जो वेटेड पैनल्स हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह, चाहे वो पब्लिक इश्यूज हो या प्राइवेट इश्यूज हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उनको किस तरीके से कंसल्टेंसी के थ्रू रिजॉल्व करवाया जा सके, उसकी तरह भी ये जो हमारी दोनों स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं, रिसर्च विंग एंड कंसल्टेंसी विंग, नीति आयोग की ये एक्ट करेंगे। और तीसरी स्पेशलाइज्ड विंग है टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग का मतलब है इसमें हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और हर मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एक परमानेंट प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा, ताकि नेशनल लेवल पे, मतलब सेंटर के साथ स्टेट्स का, स्टेट्स के साथ स्टेट्स का, और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का, इन सब का बेसिकली हम कोलैबोरेशन या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंश्योर कर सके। और ये जो विंग है इसके हर रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर करेंगे कि हर स्टेट, हर मिनिस्ट्री की लगातार इसमें प्रेजेंस बनी रहे, ताकि अगर कोई भी बात हो, किसी स्टेट को हो सकता है इंपैक्ट कर सके, या हो सकता है उस स्टेट को फायदा पहुंच सके, या किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इन सब के बारे में कोई ना कोई अपना फीडबैक देने के लिए, अपने इनपुट्स देने के लिए कोई ना कोई हमेशा प्रेजेंट रहे। और इस पूरे स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल थीम है कि किस तरीके से एक हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप किया जाए। हब एंड स्पोक का मतलब है कि जैसे नीति आयोग बन गया हमारे सेंटर पे, अगर स्टेट्स चाहें तो वो सिमिलर लाइंस पे इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर सकते हैं अपने स्टेट्स में भी, जो एक्चुअली इसी तरीके से रफली इसी एजेंडा पे, कैसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को आगे लगाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इस पे फोकस कर सके। और नीति आयोग एक गुड गवर्नेंस के व्हीकल के रूप में एक्ट करें कि नीति आयोग किस तरीके से जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, गुड गवर्नेंस हो या पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज हो, पार्टिसिपेटिव, कोलैबोरेटिव, ट्रांसपेरेंट, पॉलिसी ड्रिवन पॉलिसीज हो, प्रोसेसेस हो, प्रोजेक्ट्स हो, इनको कैसे पूरे कंट्री में हम डिलीवर कर सके, ये भी नीति आयोग ही देखेगा। दोस्तों, आज की तारीख में मुझे लगता है यह कहना एक बड़ी बात नहीं होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग है, उसको अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन से फंक्शन से कंपेयर करेंगे, तो ज्यादातर एरियाज में या ज्यादातर फीडबैक यही है कि सेंटर में तो जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मेथड्स हैं, तौर तरीके हैं, वो काफी इंप्रूव्ड हो चुके हैं कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस इंस्टीट्यूशन नीति आयोग के थ्रू कोशिश ये भी होगी कि जो सेंटर की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टेट्स में कैसे लागू किया जाए, ताकि स्टेट्स की भी जो पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं, इन सबको एट पार किया जा सके या बेटर किया जा सके सेंटर के साथ, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ भी। दोस्तों, तो ये डिस्कशन हमारा हो गया स्ट्रक्चर क्या है नीति आयोग का, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट विंग्स हैं, क्या उनके फंक्शन हैं, कौन कौन उनको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जो अगला हमारा डिस्कशन है, और मैं कहूंगा जो हमें हमारे आज के लेक्चर के एंड की तरफ तेजी से आगे बढ़ाता है, वो है कि नीति आयोग के कौन कौन से मेजर तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, जो नीति आयोग के आइडियाज हैं, क्या उनका विजन है, क्या सिनेरियो प्लानिंग है। इन सबको तीन डॉक्यूमेंट्स जिनका नाम है 15 ईयर विजन, 7 ईयर स्ट्रैटेजी एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा, इसके थ्रू कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। जो लास्ट दो डॉक्यूमेंट हैं 3 ईयर एक्शन एजेंडा साथ ही साथ 7 ईयर स्ट्रैटेजी, ये ऑलरेडी नीति आयोग ने पब्लिश ड्राफ्ट रूप में कर दिए हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है 15 ईयर विजन, उसको अभी पब्लिश होना बाकी है। ब्रीफ डिस्कशन, सबसे पहले 3 ईयर जो एक्शन एजेंडा है, 3 ईयर जो एक्शन एजेंडा है इसको ड्राफ्ट इसका पब्लिश किया गया 2017-18 से लेके 2019-20 बेसिकली पीरियड के लिए। इसमें 7 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं, और इसमें इस चीज को एम्फसाइज किया गया है कि जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, जो चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिज्म है, उसके लिए इंडिया को किस टाइप के नए टूल्स, अप्रोचेस, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को ले जाने के लिए किस टाइप की चीजों की जरूरत होगी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ, साइंटिस्ट के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, एनजीओ के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, एक्सपर्ट्स फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, बहुत सारे एरियाज के साथ कंसल्ट किया गया है। उसके बाद इसको पब्लिश किया गया है। तो जो ये 3 ईयर एक्शन एजेंडा है, अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर हम देखें, तो पहली फाइंडिंग है कि इसमें प्रपोज किया गया है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसको जीडीपी के 3% तक रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको 2019-20 तक सिर्फ 0.9 तक ही लिमिट कर दिया जाए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फार्मर्स की इनकम को डबल किया जाए 2022 तक, और इनकम को डबल करने के साथ साथ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि अर्बन एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को या बेसिकली लिविंग स्पेसेस को बढ़ावा मिल सके, उसके लिए जेनरस फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FPI) और फ्लेक्सिबल कन्वर्जन रूल्स को लाया जाए। चौथा ऑब्जर्वेशन कि जो अलग अलग इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो, कोस्टल एरियाज हो, आइलैंड्स हो, नदर्न हिमालयन स्टेट्स हो, डेजर्ट हो, ड्रॉट प्रोन स्टेट्स हो, इनके लिए आप किस तरीके से डेवलपमेंट आउटकम्स को स्पेशल फोकस देकर एनकरेज कर पाएंगे, इस पे भी ध्यान दिया जाए। पांचवा ऑब्जर्वेशन कि ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी पे कैसे फोकस किया जाए। छठा ऑब्जर्वेशन कि जो एनर्जी सेक्शन है उसमें दिया गया है कि कंज्यूमर फ्रेंडली मेजर्स हम कैसे लाएं, ताकि पावर सेक्टर में जो क्रॉस सब्सिडी है, मतलब कि एक का पैसा दूसरी जगह दिया जाता है ताकि सब्सिडी हो जाए, और इसको कैसे कम किया जाए, और कोल सेक्टर को कैसे रिफॉर्म किया जाए एक रेगुलेटर स्टैब्लिश करके, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर आप चैप्टर देख लें, तो उसमें कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, साथ ही साथ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाउंडेशन एक क्रिएट की जाए, जो पूरे कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ावा दे सके, प्रमोट कर सके। इसके अलावा गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए और गवर्नमेंट के रोल को कम करने के लिए ऐसे एरिया से जहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की अब जरूरत नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा टैक्स इवेजन को कैसे कम करें, या टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए, टैक्स सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे भी रिकमेंडेशंस हैं। 10th, जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे लाए जाएं, जुडिशरी में ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए स्टेट लेवल पे, और रूल ऑफ लॉ को कैसे प्रमोट किया जाए, इस पे भी रिकमेंडेशंस हैं। और ये सारी रिकमेंडेशंस हैं 3 ईयर एक्शन एजेंडा की। इसके अलावा किस तरीके से हमें इनपुट बेस्ड अप्रोच से अब आउटकम बेस्ड, मतलब हमने 10 करोड़ लगा दिए एग्रीकल्चर में, इसके बजाय कि 10 करोड़ का फायदा कितना पहुंचा, रिजल्ट कितना आया, अब इस पे फोकस देना होगा। आउटकम बेस्ड अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी होगी। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ पे फोकस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंप्रूव किया जाए पब्लिक हेल्थ के ऊपर, इस पे भी रिकमेंडेशंस हैं। सोसाइटी को इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, तो पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात की, उसके ऊपर फोकस है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके अलावा ट्रीज को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और वाटर रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूटिलाइज कर पाएंगे, इस पे भी कई रिकमेंडेशंस हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा बेसिकली जो पहला डॉक्यूमेंट है 3 ईयर एक्शन एजेंडा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 7 ईयर स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, जिसका टाइटल है स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। ये क्लियर डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, उसके साथ डेवलपमेंट को, विकास को कैसे एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट बना दिया जाए और 2022-23 तक इंडिया को कैसे रफली 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या क्या उसके लिए करना होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो ये 7 ईयर स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है, इसमें 41 डिफरेंट जो क्रूशियल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और हर चैप्टर में एक एरिया को दिया गया है कि पहले हमने उसमें क्या प्रोग्रेस की है, कौन से हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इश्यूज हैं, और उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए और ज्यादा बेटर प्रोग्रेस के लिए क्या आगे स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये जो 41 एरियाज हैं इनको 4 डिफरेंट सेक्शंस में सब कैटेगराइज किया गया है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। जो ड्राइवर्स का सब ग्रुपिंग है वो फोकस करता है जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स की इनकम को डबल करने पे, साइंस को कैसे अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करेंगे, इनोवेशन इकोसिस्टम को कैसे ज्यादा रोबस्ट करेंगे, या सनराइज सेक्टर्स जैसे कि फिनटेक है, टूरिज्म है, इनको कैसे प्रमोट करेंगे। ये ड्राइविंग सेक्टर्स, ये ड्राइवर सीट पे कौन से सेक्टर्स होंगे, ये ड्राइवर्स जो सब ग्रुपिंग है वो फोकस करता है। सेकेंड सब ग्रुपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डील करते हैं कि जो फिजिकल फाउंडेशन है ग्रोथ की, जो कि कॉम्पिटेटिवनेस इंडिया की कैसे बढ़ सके, हमारे बिजनेस की कैसे बढ़ सके, ताकि सिटीजन्स की ईज ऑफ लिविंग बेटर हो सके, उन एरियाज पे फोकस करता है। तीसरा सब ग्रुपिंग इंक्लूजन, ये बेसिकली फोकस करता है कि किस तरीके से हम जो इंडियन सिटीजन्स की कैपेबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पे थीम्ड है ये तीसरा सब ग्रुपिंग। और जो फाइनल चौथा सब ग्रुपिंग है गवर्नेंस, वो कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे हम रिफॉर्म करें, रिस्ट्रक्चर करें, स्ट्रीमलाइन करें, अपनी प्रोसेसेस को बेटर बनाएं, ऑप्टिमाइज करें, ताकि जो डेवलपमेंटल आउटकम्स हैं उनको ज्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हम अचीव कर सकें, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ज्यादातर जो रिकमेंडेशंस हैं ये जो चाहे 3 ईयर एक्शन एजेंडा हो या 7 ईयर स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क हो, काफी प्रैक्टिकल बेसिकली मानी जाती है। और जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है वो 2019-20 तक इंप्लीमेंट होना था और ये जो 7 ईयर स्ट्रैटेजी है ये 2022 तक एक्सपेक्टेड है इंप्लीमेंट होगी, ताकि हमें एक क्लीन, इंक्लूसिव, सस्टेन्ड, सस्टेनेबल ग्रोथ जो हम अगले 3 डिकेड्स में अचीव कर सके, उसकी एक सॉलिड फाउंडेशन हम ले कर सके। अब एक लास्ट डिस्कशन हो जाए कि क्या कौन कौन से वो एरियाज हैं जिसमें पिछले 5 या 6 साल में नीति आयोग ने काफी अच्छा डिलीवर या परफॉर्म किया है हमारे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को। दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक मेजर वर्क रहा कि जो हमारे पहले 66 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हुआ करती थी उनको कम करके सिर्फ 30 में ही कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि उनकी प्लानिंग, उनका इंप्लीमेंटेशन, ज्यादा इंपैक्ट उनका हो, बेटर विजिबिलिटी हो, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो, डुप्लीसिटी बेसिकली कम हो। इसमें नीति आयोग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरा जो एरिया ऑफ अचीवमेंट है नीति आयोग का कि किस तरीके से कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ऐसा लगता है कि प्लानिंग कमीशन में शायद स्टेट्स की इतनी बात या इतनी आवाज नहीं होगी जितनी नीति आयोग के थ्रू स्टेट्स अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा, कई सारे जो क्लीनलीनेस या बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एरियाज हैं, उसमें भी नीति आयोग ने एक थिंक टैंक की तरह अपना रोल प्ले करते हुए बहुत सारे एरियाज, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देख लेंगे हम 100 के आसपास रैंक किए जाते थे और वो हमने जंप करके रफली 60 के आसपास या 69 के आसपास हम लोग रैंक किए जाने लगे हैं। नीति आयोग ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिमिलरली बहुत सारे स्टेट्स को एजुकेशन के बारे में कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट्स में, उसके बारे में नीति आयोग एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। एनर्जी सेक्टर की बात देखें तो स्कीम सच एज उदय स्कीम्स, जिसमें डिस्कॉम्स जो हमारी बहुत स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, लॉसेस बहुत हैं, फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, बोरिंग्स बहुत हैं, उससे कैसे उनको निकाला जाए, उसके लिए जो उदय स्कीम डिजाइन की गई उसमें भी नीति आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नीति का एक इनिशिएटिव है यील्ड एस्पिरेशनल टारगेट्स एंड एक्शनेबल मींस, जिसको नियातम कहा जा रहा है। उसमें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, लीगल स्ट्रक्चर्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए स्टेट्स में, ताकि बेटर गवर्नेंस हम दे सकें अपनी जनरल पब्लिक को। उसमें भी नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा नीति आयोग की जो एडवाइस है लैंड पूलिंग की, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ओपन माइंड से एक्सेप्ट किया है, ताकि जो पूरा इशू है सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का, इसको कैसे स्टेट्स में पीसफुली, इम्पार्शियली, ट्रांसपेरेंटली हम इंप्लीमेंट करवा सकें। इसके अलावा नीति आयोग ने और भी बहुत सारी कई रिपोर्ट्स अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, स्पोर्ट्स हो, इनमें भी टाइम के बाद पब्लिश करते रहे हैं। इसके अलावा चाहे बजटरी हो, एक्स्ट्रा बजटरी हो, जो फाइनेंशियल एलोकेशंस हैं स्टेट्स में, पहले कई स्टेट्स की कंप्लेंट हुआ करती थी कि सेंटर हमें उतना फंड नहीं दे रहा है जितनी एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट है, या स्मूथ नहीं है ट्रांजेक्शन। अब ऐसा लगता है कि वो कंप्लेंट्स काफी कम होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग है, अब ये रियल टाइम रेगुलरली डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग डेवलपमेंट इंडिसेस पे। वहीं प्लानिंग कमीशन क्या करता था, हर 2 साल में डेटा कलेक्ट करता था, मतलब कि जो डेटा अवेलेबल होता था प्लानिंग कमीशन के बाद, वो 2 साल पुराना डेटा अवेलेबल होता था, जिस पे पॉलिसीज बनाई जाती थी, डिसीजंस लिए जाते थे। लेकिन नीति आयोग रियल टाइम बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है, ताकि आपके पास एक्यूरेट पिक्चर हो, आप बेटर डिसीजंस ले सकें, टाइमली डिसीजंस ले सकें, ताकि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनकी, चाहे प्लानिंग हो, इंप्लीमेंटेशन हो, कहीं ज्यादा रोबस्ट हो, रियल हो, एफिशिएंट हो, इंपैक्टफुल हो, ताकि जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है उसको हम ज्यादा काउंटेबल बना सकें, ज्यादा एनहांस कर सकें, ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकें। इसके अलावा ऐसा लगता है कि नीति आयोग एक बेटर थिंक टैंक, एक बेटर लीन मीन मशीन, जो फेडरल कॉर्पोरेटिज्म, जो फेडरल कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ कंपेटेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, ऐसे एक इंस्टीट्यूट के रूप में धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश करता जा रहा है दोस्तों। एंड लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी नया इनिशिएटिव होगा वो कुछ एरियाज में अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ उसमें हो सकता है उसका क्रिटिसिज्म हो, कुछ गैप्स हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले नीति आयोग को 10-15 साल का एक रीजनेबल टाइम फ्रेम दें परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। उसके बाद ही नीति आयोग का, जैसा हमने प्लानिंग कमीशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया बहुत डिटेल में, नीति आयोग का भी तभी ओपन माइंड से, हेल्दी तरीके से क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना रीजनेबल होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 8, जो हमारा डिस्कशन प्लानिंग इन प्रोसेस को पूरी तरह सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर करते हुए कंप्लीट करता है, आपको पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 9 भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 9 में हम आपको बताएंगे कि जो पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या अर्थव्यवस्था के सुधार की जो पूरी प्रोसेस रही 1991 से स्टार्ट हुई, क्या बेसिकली वो रही, क्या ऐसी सिचुएशन बन गई कि 1990s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन इंडिया को फेस करनी पड़ी, कैसे इंडिया उस क्राइसिस से उभरा, बाहर निकला, क्या वो रिफॉर्म्स लाए गए, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सभी का हम डिटेल तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।